अस्सलाम वालेकुम, एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं समियान खैरपुरी। कल उम्मीद करता हूं कल का जो व्लॉग था आप सबने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि कल की तरह हम अपने पॉइंट वाली जगह पे पहुंच गए हैं और आज फिर पॉइंट लेंगे और जाएंगे आईयूबी की तरफ। पॉइंट अब देखो टाइम पर पहुँचे हैं, मिलता है या नहीं। अक्सर ऐसे होता है खड़े भी होना पड़ता। कौन से पॉइंट पर जाना है आज? वहाँ भी लड़के, वो देख, हाँ वो भी लड़के, वो बैठे हैं और एक वो खड़े है। इस पे चले? हाँ इस पे चले। ये भाई ये सामने वाले पे जाएंगे हम। अब ये नहीं पता ये अपने यूनी वाले, एक वहाँ भी होता है रेलवे वाले साइड, अपने ये अपने वाले, हाँ, अपने वाले। चलो भाई आज इसमें जाते हैं। ये लड़की कहाँ जा रही है? इस तरफ लड़कों वाले, अच्छा अच्छा सात गर्ल्स वाले हैं। मैं कहा अपने लड़कों में जा रही है, चार चार लगने वाले थे। जब मिलनी ही पीछे थी जगह तो आप उधर से चढ़, पीछे से चढ़ते ना। अच्छा दो में बैठूंगा अब मैं, जहाँ कोई थोड़ा आ बैठ जाओ, जब चलेगा बैठ जाना इधर। चल ठीक है, फुल है भाई जान, आज फुल है सब कुछ। समझ नहीं आते जल्दी आए हैं तो सीट ही नहीं मिली। लेट आते तो, कल लेट हुए तो सबसे आगे बैठे थे। सारे तरतीब से जा रहे हैं बारे। आगे वाला कौन सा? आगे वाला, हाँ आगे वाला भी बॉयज का। चलो अब पहुंच के वहीं एक ही दफा दिखाएंगे कि पहुंच गए। सारा रास्ता दिखाया तो वहाँ बोर हो जाएगी। जब भाग के पकड़ेंगे ओ, हमारा भी यही हाल होता है जब छुट्टी होती है। पहुंच गए अब कल की तरह पार्किंग एरिया में ना उतार दे, कल की तरह पार्किंग एरिया में ना उतार दे। नहीं नहीं आज जाएंगे सीधा एमसी पे। शुक्र है कल भी चल चल के थक गए थे, कल यहाँ पे था मसला है ना। ये बहुत बड़ी सहूलत है पॉइंट की, हमें हमें एमसी पे उतारे। कल कितनी दूर उतारा था इन्होंने? ओह चलते चलते थक गए। अब ये है कि साथ ही हमारी क्लास पड़ेगी, हम सब यहाँ उतरे हैं। गर्ल्स को अलग से उतारते हैं क्योंकि लड़के इतने ज़्यादा हैं, तो वैसे भी आई यूपी बहुत बदनाम हुई बड़ी है जिसकी वजह से गर्ल्स को अलग उतारते हैं। ये हमारी कैंटीन वो दूर वाली नज़र आ रही होगी आप सबको, और देखो अब ये वो बच्चे जा रहे हैं, यानी कि हर किसी का ना टाइम टेबल अलग है। अब हमारा लेक्चर है और ये सब जो जा रहे हैं पॉइंट्स लेकर, तो इनका लेक्चर नहीं है, ये सब जा रहे हैं। तो जब हम आते हैं तो सबके लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, आधी हम जा रही होती है आधी आ रही होती है। तो ये हमारा एमसी है मेन कैफेटेरिया, और ये गर्ल्स भी जाने के लिए बैठी हैं। सीन ये है कि ये इब्रार भाई आ रहे हैं, लेक्चर हमारा था 11 बजे और ये सुबह 8 बजे का यहाँ आया हुआ है। इससे पूछते हैं क्यों कैसे आया हुआ है। ये पकड़ना भैया, सबसे पहले ये बताओ लेक्चर हमारा कितने बजे था? 11:30। आप कितने बजे के आए हुए हो? 8 बजे। क्या करने आए हो 8 बजे यूनिवर्सिटी? क्या करने आए भाई? क्या काम होते हैं? क्या काम पता चले 10 बजे हमारे सुबह? कौन सा काम है? और आप सुबह 8 बजे के आए हो, क्या ऐसा कौन सा काम है बताओ? मजबूरी कौन सी? मजबूरी हां सीन ऑन तो नहीं? नहीं नहीं ओए मेरा मुंह लगता है ऐसा। हाँ? तेरा मुंह ही तो लगता है। 11 बजे लेक्चर है तो 8 बजे क्या करने आए? काम था। कौन सा काम? छोटा सा नहीं काम, ये बड़े होते हैं सुबह। टी पटी करने आया वो था। हाँ तो भाई देखना 8 बजे, जब 8 बजे क्या इसका वो बनता है जब लेक्चर ही 11 बजे 11:30 पर 11 बजे भी नहीं तो ये बंदा, ये मेरे वाली
ओए मेरे वाले कौन सी है यहाँ पे, अल्लाह अल्लाह कर जान बुझ के लड़ाई डलवा रहे। तुझे पता है व्लॉग कौन कौन देखता है और तू जान बुझ के लड़ाई डलवा रहे। मेरे वाली भाई कोई नहीं है यहाँ पे, ये क्लियर है। सारी मेरी बहनें हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी लड़कियां हैं ना, ये सब मेरी बहनें हैं, आप ही हैं मेरी। मैं मानता हूँ, तू मानता है? मान 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 मेरी एक छोड़ के सारी बहनें। अच्छा, मेरे तो भाई सारी बहनें हैं, जो जो मैं तो सेट होगी वो मेरी बहनें नहीं। हाँ, तुझसे कोई होनी भी नहीं सेट, तुझे सब बच्चा समझ के ही छोड़ेंगे, टेंशन ना ले। हाँ, ये हेरिटेज हमारी कैंटीन है। क्या नाश्ता? नाश्ता भजन कौन करके आता है सुबह सुबह? चिकन पराठा खाते हैं आप? यहाँ से मिलते हैं। चलो ठीक है, ओके, भजन खाने के बाद मिलते हैं। नाश्ते का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि लेक्चर को 8 मिनट रह गए थे। हमने कहा पहले लेक्चर ले लेते हैं और फिर जाके कुछ खा पी लेंगे और घूम लेंगे। और सीन यह कि पहले हम उस साइड से गए थे, अब ये दूसरी साइड से जा रहे हैं। 2.14 और ये क्या क्लासरूम के दरमियान में वाशरूम कहाँ से आ गए? 1.5। अब जो आएगी वो हमारी क्लास है, कल वाली है जहाँ कल लेक्चर हुआ था भैया। शिवदीप भाई, ये शिवदीप ये हमारी क्लास का अच्छा बच्चा है। तो ये पूछना ये था कि ये कौन सी कटिंग है, ये दिखाना पूरी दिखाना। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने भी करवानी है। इसको कहते क्या है? पहले इसको वो आर्मी कट कहते थे, पता नहीं आप क्या कहते। आर्मी कट कहते थे, आज के टाइम में कुछ और कह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता। नहीं नहीं, आपका बहुत प्यारा लग रहा है, आपका प्यारा लग रहा है, भाई को ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसलिए दिखा रहा हूँ भाई को। नहीं, एक घंटे का लेक्चर हमने ले लिया है, आज हमारा लेक्चर, आज भी एक ही लेक्चर था और कल हमारी छुट्टी है। अब हम जाएंगे वापस अपने हॉस्टल, क्योंकि तो जा नहीं सकते, तो हॉस्टल जाएंगे, उससे पहले कुछ खाएंगे और वैसे जैसे आए हैं पॉइंट लेके एमसी पे जाएंगे, एमसी से ही पॉइंट लेंगे, उसके बाद सीधा हॉस्टल। ये भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको आगे कभी। आगे रेस्टोरेंट मजे हो रहे हैं। लेक्चर एंड हो गया है, अब हम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वापस जाने के लिए। झूठ के बोले जा रहे पापा। ये हम एमसी पे पहुंच चुके हैं, अब भाई वहाँ पे पॉइंट आएगा जो हमें घर लेके जाएगा। एक वो हेरिटेज कैंटीन दिखाई थी आपको, एक ये कैंटीन है, ये भी बहुत बड़ी कैंटीन है और ये पुरानी है। हेरिटेज न्यू है, हेरिटेज वो अब बनी है। यहाँ सब बैठ के खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ दूसरों को खाता देखते हैं। जैसे ये रहा, आ गया आ गया आ गया पॉइंट, आ गया आ गया। अब रश देखने वाला होगा वलीद, रश देखने वाला होगा। ओए होए होए, कैसे बैठेंगे इतनी आवाम पे? अब पीछे एक और भी आ गया, चलो शुक्र है। भागो अब इतनी आवाम में कैसे बैठेंगे? मोबाइल बंद ही पकड़ना पड़ेगा, मोबाइल बंद करके फिर बैठ। ओए होए, शफीक अहमद देख खोल दे रोटी, खोल दे पॉइंट चल पे। भाई क्या खिला रहे हो? बिरयानी खाते हैं यार, भूख बहुत। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट कल इंशाल्लाह।